आधुनिक युग में शारीरिक रिलेशन बनाना आम बात हो गई है, लेकिन मैरिज से पहले जो गर्ल्स बॉयज शारीरिक रिलेशन बनाते हैं वो किस हद तक सही है और ऐसा करना गलत है कि सही है, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान है, आज की इस वीडियो में पूरा चर्चा करें, पूरा डिटेल में जानेंगे। देखिए अभी जो वर्तमान समय चल रहे हैं, इस समय जो सेक्सुअल रिलेशन है या शारीरिक रिलेशनशिप एक तरह से कह सकते हैं बहुत आम बात हो चुकी है, तो ये चीज़ हम लोग विस्तार से समझेंगे और हर युवा पीढ़ी के गर्ल्स बॉयज को ये वीडियो देखना चाहिए, ये चीज़ जानना चाहिए। देखिए सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग समझते हैं, उसके बाद जानेंगे इसके नुकसान फायदे क्या है और मैरिज से पहले शादी से पहले शारीरिक रिलेशन बनाना गलत है या सही है, इस बात की भी चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहली बात है कि जो एक मेल होते हैं, मेल के अंदर टेस्टिस पाया जाता है, ये टेस्टिस क्या करता है, ये एक तरह से एक मतलब सीमित समय के बाद जैसे 10-12 क्रॉस करने के बाद ये टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म बनाना चालू करता है। जब ये स्पर्म बनाना चालू करता है तो उस समय से एक तरह से सेक्स करने की भावना मेल के अंदर ये जगना चालू हो जाती है, शारीरिक रिलेशन बनाने की भावनाएं चालू हो जाती है और जस्ट फीमेल के अंदर भी ये होता है। जब ये प्यूबर्टी पार करते हैं 10-12 किशोरावस्था एक तरह से बोलिए, जब यहाँ से समझिए कि एक तरह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू हो जाता है, उस कंडीशन से फीमेल्स के अंदर भी क्या होता है, एक शारीरिक रिलेशन बनाने की भावनाएं जगना चालू हो जाती है, ठीक है, एक लिमिट होता है, एक समय होता है, उस समय से ये सब क्या होता है, चालू हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज समझते हैं, क्योंकि आज के जमाने में ये बहुत आम बात हो चुकी है, नॉर्मल बात हो चुकी है, तो क्या मैरिज के पहले ये करना सही है या गलत है। सबसे पहले इसके नुकसान और फायदे जान लेते हैं कि अगर हम शादी से पहले ये काम करते हैं, शारीरिक रिलेशनशिप बनाते हैं, तो इसके नुकसान क्या क्या फायदे क्या, बाद में मुझे नहीं गलत है या सही है करना है सब चीज़। पहले नुकसान समझते हैं, अगर शारीरिक रिलेशन आप ज़्यादा बनाते हैं, ज़्यादातर अगर शारीरिक रिलेशन में रहते हैं किसी के साथ, तो उस कंडीशन में आपके नुकसान क्या है। देखो मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे कहने का मतलब कि आप शारीरिक रिलेशन बनाते ये चीज़ होगी, मेरे कहने का ये मतलब है कि ज़्यादातर रहने से, जैसे मान लीजिए महीनों दिन आप शारीरिक रिलेशनशिप बना रहे हैं, हफ्ता में हफ्तों दिन आप सातों दिन रह जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको नुकसान होंगे। अगर महीने में 1-2 दिन शारीरिक रिलेशनशिप हो रहे तो उससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन लगातार शारीरिक रिलेशनशिप बनाने से शरीर को नुकसान होते हैं, उस कंडीशन में आपको नुकसान दिखा रहा है। सबसे पहले कलाई, जो ये पुरुष है, मेल हो या फीमेल हो, दोनों को इफेक्ट पड़ते हैं, ये कलाई जो होते हैं बहुत पतले हो जाते हैं, ये पहला नुकसान। दूसरा नुकसान होता है गर्दन की जो नसें होती है सब बाहर दिखाई देने लगती है, और खासकर जो ये वॉइस जो बॉक्स होता है ये वाला, ये भी बाहर निकलना चालू हो जाता है, ठीक है ना। तो ज्यादातर शारीरिक रिलेशनशिप बनाने से ये होता है, तो कलाई का पतला हो जाना, गर्दन की भी नसें बाहर आने लगती है, ठीक है ना। तीसरा क्या होता है नुकसान, शरीर पतला दुबला होने लगता है, वीक होने लगता है, कमजोर होने लगता है, ठीक है। उसके बाद जो माइंड होता है वो भी तनाव में रहना चालू कर देता है, मतलब दिमाग जो है वो तनाव में रहना चालू कर देता है। ज्यादातर सेक्सुअल रिलेशन बनाने से महीने में महीनों दिन, मतलब 30 दिन में मान लीजिए 25 दिन में बना रहे, तो उस कंडीशन में ये सब चीज़ें होती है। और उसके बाद जब ये लत लग जाती है ना, तो दिमाग हमेशा यही उसी चीज़ में घूमते रहता है, और सबसे बड़ी बात है कि आपका किसी भी सही काम में फोकस नहीं जा पाता है, आप अपने गोल की ओर लक्ष्य की ओर अग्रेसिव नहीं हो पाते हैं। तो ये चीज़ें क्या करती है, आपके गोल्स को, आपके लक्ष्य को इफेक्टिव करती है, प्रभावित करती है, मतलब ये लगातार करने से नुकसान है। ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि एक महीने में एक बार दो बार अगर रिलेशनशिप है तो उस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन लगातार अगर रह रहे हैं तो उस कंडीशन में ये सब नुकसान है। अब तो नुकसान आप समझिए, अब जैसा इसके फायदे हम लोग समझते हैं, प्रॉफिट देखते हैं कि इसके प्रॉफिट क्या है। देखो इसको प्रॉफिट क्या है, इसके प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, लेकिन कब, जब महीने में 1-2 बार, हफ्ते में मिनिमम एक बार, लेकिन अगर लगातार हुई है तो भैया नुकसान ही नुकसान है, लेकिन कम से कम अगर है तो उस कंडीशन में फायदा है, जो शरीर होता है वो स्वस्थ रहता है। कई बार आप बहुत सारे डॉक्टर्स भी सलाह लेंगे, बहुत सारे टीचर्स भी सलाह लेंगे, तो कहते हैं कि कम से कम महीने में एक बार अगर शारीरिक रिलेशनशिप है तो ये आपके बॉडी को ग्रोथ करती है, बॉडी का विकास भी करती है शारीरिक संबंध, याद रखिएगा, ठीक है ना, लेकिन ज्यादा तो नहीं कम से कम। दूसरे फायदा ये आपके आपके दिमाग को जो है तनाव को कम करती है। जब एक देखिएगा, जब क्या होता है, एक उम्र आता है, जब आदमी का एक उम्र हो जाता है शारीरिक संबंध बनाने का, जैसे 10-12 क्रॉस करे तो अपना भावनाएं जगना चालू हो जाती है, लेकिन जब ये आप शारीरिक संबंध नहीं बनाते, आपके दिमाग पर ये चढ़ जाता है, तो हमेशा दिमाग में ही नाचेगा, मतलब आपको तनाव के रूप में लाने का काम करता है। लेकिन अगर कम से कम महीने में 1-2 बार बनी है, तो उस समय ये तनाव मुक्त आपको करता है। और तीसरी बात है कि आपका ये जो माइंड होता है फ्रेश कर देता है, एकदम हर चिंता मुक्त होता है। ये कहा जाता है जब शारीरिक रिलेशनशिप बनता है तो उस समय ये जो हमारे माइंड का तनाव होता है उसको कम कर देने का काम करता है। आदमी जो डिप्रेशन होता है उसको भी कम करने का ये काम करता है। तो फायदे इसके हैं, यानी जिस तरह से नुकसान है उस तरह से फायदे भी है, लेकिन नुकसान उस कंडीशन में जब लगातार करते हैं, महीनों में 25 दिन, हफ्ता में 7-8 दिन, तो उस कंडीशन में नुकसान है, लेकिन अगर कम से कम कर रहे हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद ही साबित होते हैं। अब रही बात क्या ये करना गलत है या सही है, तो याद रखिएगा एक तरह से ये जो प्रकृति का दिया हुआ समझिए कि तोहफा ही है, ठीक है ना, तो ये एक तरह से करना सही भी है और एक तरह से करना गलत भी है। सही इसलिए क्योंकि आपके शारीरिक ग्रोथ भी करती है, आपको टेंशन तनाव चिंता से दूर करती है। गलत इसलिए क्योंकि पतिव्रता धर्म निभाने पा जाएंगे, या इतिहास या अपना जो पुराना ग्रंथ हो सब पढ़ना शुरू कर देंगे, तो उस समय दिखाया जाता है कि नहीं मैरिज से पहले ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। तो एक तरह से सही भी आपके मानने पर डिपेंड करता है, मान लीजिए तो गलत, मान लेंगे तो सही हो जाएगा।
मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। अब जो मानेंगे सो वही होगी। तो इसके नुकसान भी इसके फायदे भी है। मुझे विश्वास है कि सारे युवा पीढ़ी के जो गर्ल्स बॉयज है इस बात को समझ गए होंगे। इस वीडियो को ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ सीखे ना, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।